देश के लोकप्रिय कथा व्यास और बागेश्वर धाम पीठ के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 26 फरवरी को कथा के पहले टीकमगढ़ के पत्रकारों से मिले। इस मौके पर एक सवाल के जवाब में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने रोचक अंदाज में अपनी बात कही। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आपको किसी बात से डर लगता है, सुनिए इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। एक पर्सनली सवाल है, आप किसी से डरते हैं? झूठ से, पाप से, अधर्म से, बाकी किसी के पाप से नहीं। जी हाँ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि उन्हें तीन बातों से डर लगता है, झूठ, पाप और अधर्म। इन दिनों देश भर में उनके साथ जो विवाद जुड़ रहे हैं उनको लेकर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। तमाम विवादों के बावजूद उन्होंने ये कहा कि वे इन साजिशों से डरने वाले नहीं हैं और अपने मिशन को पूरा करके ही दम लेंगे। सुनिए इस पत्रकार वार्ता के अन्य सवालों के जवाब। उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें हैं, सेम टू यू। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भक्तियों से डर जाए। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, तो हम तो आम है, हम डरने वाले नहीं। और बड़ा जी, साजिश वाली बात तो आपने पहले कह दी थी, उसके बाद छतारी में हमने पूर्ववत ही भविष्यवाणी कर दी थी कि साजिशें होगी। अब फिर भविष्यवाणी करते हैं, जो अभी आप लोग हमारे ऊपर कह रहे थे ना कि आप क्या कहना चाह रहे या किसी भी वो भाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिशें हैं, इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। ये अभी अप्रैल महीने, अभी तब जब तक ये 24 नहीं आ गई तब तक ये और बड़े लेवल पर आएंगे। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये उनके मिशन को फेल कर सकते हैं। संक्षेप में आपका देश के लोगों को क्या संदेश है? हम सब हिंदू एक हों, भारत हिंदू राष्ट्र। महाराज जी, मेरा एक पर्सनली सवाल है, आप किसी से डरते हैं? झूठ से, पाप से, अधर्म से, बाकी किसी के पाप से नहीं। तुम अगर खौफ बनाना चाहो तो बना के बनाओ। अठवीं बार जी, अरे बालाजी, सवाल सालग्राम जी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं आप? जी सालग्राम जी आपके जो भाई हैं, पहले सत्य सामने आने आपकी सोच छोटी है। क्या कोई भाई चाहेगा कि हमारा भाई बेकार हो? कोई चाहेगा कि हमारा पिता बेकार? हो गई, बहुत पुराना विषय, शादी जल्दी होगी, तुम नाम से होगी, आप भी आना। जितना कैंसर से इंसान को खतरा है, जितना कोरोना से लोगों को खतरा है, उतना ही जातिवाद से हिंदुत्व को खतरा है। महाराज जी, जो विद्या आपके पास है थोड़ी बहुत, हम आ जाओ। नहीं, अभी तो आ जाओ, पेंट उतारो, आओ घर छोड़ो, आओ सीताराम जपो। लोग हमारे जैसे तुम पर भी आरोप लगाएंगे, उसको भी, उसमें भी मुस्कुराने की कला सीखो। पाकिस्तान विलय होने वाला है। धन्यवाद। और कोई कोई ऐसा मुद्दा बताओ जो बहुत नया हो भाई आप लोगों को। अच्छा, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? माता पिता गुरु ही भगवान है, युवा नशा में ना पड़े, प्रत्येक युवा मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करे हिंदू राष्ट्र के। महाराज जी, जितनी साफ गोई, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आप अपनी बात रखते हैं, और आपके ऊपर ऐसे निंदनीय और ऐसे आरोप लगाने के बाद भी बिना विचलित हुए आप, जैसे साक्षात हनुमान जी की कृपा आप पे है कि आपने जो है इतनी सहजता से आंसर किए, और एक जगह तो आप ये कह रहे हैं कि जांच करा लो, जो हो सामने आएगा, सच सामने आएगा। ये अंतर मन से, आपके भीतर से ये दृढ़ता आपकी साधना की वजह से आई है? बालाजी और गुरु की कृपा, हम कभी लाग लपेट नहीं जानते हैं, क्योंकि सांच कितने दिन तक छिपेगा हम ये जानते हैं।
सूर्य को घना बादल कितने देर तक छिपाए रखेगा, वो उभर करके बाहर आएगा। और हम भी अगर सत्य को छिपा देंगे तो बाहर आएगा, इसलिए हम खुद चाहते हैं कि पूरी दुनिया सत्य देखे हमारे बारे में। हमारे भाई दरबार अगर प्रोपोगंडा करते तो जो अभी बीच में वो हुआ लाइव टेस्ट, क्या होता उसमें? नहीं नहीं, उसमें पोल खुलती कि नहीं खुलती? अब अपनी ने पोल खोल दी। जो सत्य होता है वो कभी ना कभी बाहर आता है, और हमें निडरता इसलिए है क्योंकि हमारे सिर पर, हमें सबके सिर पर हनुमान जी का हाथ है। लेकिन हमें ये लगता है कि हमसे हनुमान जी ये कार्य करवा रहे हैं कि बेटा तुम दुनिया में आए हो, इस सिद्धि के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर जाओ, और हमें भरोसा है कि ये होगा। और रही बात आरोपों की, इन आरोपों से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि लोगों के पास अब कोई उपाय ही नहीं है बागेश्वर धाम को गिराने का। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे, बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो 100, हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बता। मकान बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल से भंडारा चल रहा है, और कोई व्यक्ति 1 साल चला के बताए अपने घर पर, मकान बिक जाएगा। तो ये जलन है, जलन उनको बरकरार रखना चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखें जी। अरे साहब अब दो बार ही तो झेल लो। हम एक बात बतावे, टीकमगढ़ में हमको बुलाने का श्रेय हमारे बहुत ही प्रिय, और बागेश्वर धाम पर टीकमगढ़ को एक और सौभाग्य है। टीकमगढ़ के शिष्य मंडल ने बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह के भंडारे में जो अमित सहयोग किया परसने में, वैसा सहयोग कहीं से नहीं हुआ। इसके लिए पूरे टीकमगढ़ के हम आभारी हैं। और राजेंद्र तिवारी जी की जो भूमिका बागेश्वर धाम शिष्य मंडल को गठन करने में, टीकमगढ़ जिले को एक करने में, और बागेश्वर धाम के प्रत्येक आयोजन में और टीकमगढ़ में कथा करवाने में जो भूमिका राजेंद्र तिवारी जी की है, निश्चित रूप से ये टीकमगढ़ का सौभाग्य और बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रभाव है। हम तो चाहते हैं खूब तिवारी जी पर कृपा हो, उनके पूरे परिवार पर कृपा हो, टीकमगढ़ के प्रत्येक वासी पर कृपा हो, और पूरे विश्व का मंगल हो, और ऐसे ही सनातन के लिए वो कार्य करते रहे, ऐसी हम मंगल कामना में आशीष देते हैं। महाराज जी, अब आप व्यास जी पर बैठ के जो आदेश देते हैं या कहते हैं, लोग उसको मानते हैं। गाय जो है पॉलिथिन खा लेती है, पॉलिथिन का प्रचलन है, उससे उसको कैंसर होता है, मर जाती है। आज अगर आप कथा के बीच में एक अपील कर देंगे तो लाखों लोग थैला लेके सब्जी लेने जाने लगेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। करें महाराज जी, आप हमें लिख करके दीजिए, हम कर देंगे। धन्यवाद, कथा का टाइम हो गया है, कथा में मिलते हैं आप सबसे, बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही कार्य को संपन्न बनावे। बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की।